तो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी तो हम ट्यूशन से आ चुके हैं जो कि अभी 9 बज चुके हैं। तो अभी खाना खाएंगे और फिर नहाएंगे और फिर जाएंगे उधर ग्राउंड पे घूमने के लिए। तो उधर का तीनों ग्राउंड का व्यू दिखेंगे जो कि उधर में 3 ग्राउंड है। देखो इधर में ऐसे एक इधर एक ग्राउंड है और इधर एक ग्राउंड है और इधर एक ग्राउंड है। तो अभी तो उधर जाएंगे, उधर का व्यू दिखेंगे, उधर का पूरा आपको मतलब लोग रनिंग करते हैं ये सब करते हैं। बाकी मुर्गी हमारी तो चलो चलते हैं, पहले खाना खाते हैं और फिर चलते हैं उधर। वहाँ पतंग उड़ रही है सामने में। तो अपने पास 3 पतंग जमा हो गई जो कि पकड़ के लाए हैं हमने, तो वो भी दिखाएंगे आपको शाम को उड़ाएंगे। तो गाइस खाना ले चुकी है जो कि चावल और लौकी की सब्जी और फनस की सब्जी है। तो खाते हैं भी फिर जाते हैं ग्राउंड पे। तो गाइस ये है, यहाँ ग्राउंड पर पहुँच चुके हैं अभी। यहाँ देख सकते हो तीनों चारों तरफ आपको सामने ग्राउंड सामने में चल के दिखाते हैं। अगर आप शाम मतलब शाम को मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, यहाँ इतने बच्चे रहते हैं जबकि अभी कोई एक भी बच्चा नहीं है यहाँ पर। नहीं तो इतने बच्चे रहते, पतंग उड़ाते रहते, कुछ कुछ खेलते रहते। तो ये फर्स्ट ग्राउंड, यहाँ पे कोई नहीं, हम खेलते हैं बैट बॉल, क्रिकेट खेलते हैं और नहीं तो कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। हम पतंग उड़ाते हैं, अभी जब ऐसे पतंग का सीजन है तो पतंग उड़ाते हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग। जैसे कंचे का सीजन है तो कंचे खेलते हैं। तो अभी उधर एक ग्राउंड है और इधर एक ग्राउंड है, तो वो दीवार पार करके जाना पड़ेगा अपने को। और अभी यहाँ पे यहाँ थोड़ा ब्लॉक शूट करते हैं और फिर चलते हैं उधर। तो सामने में सिर्फ 2 पतंग उड़ रहे हैं जो कि दिख रही है। तो ये एक पतंग है और ये इतने में वो एक पतंग है, दिखी गई ये पतंग एक। तो अभी चलते हैं उधर वाले ग्राउंड में, तो वो ग्राउंड में ज़्यादा कुछ बोलेंगे। चलो चलते हैं। और बाकी पूरी इधर में घर है। तो गाइस दीवार के पास में पहुंच चुके हैं अभी, तो दीवार चढ़ते हैं। तो दीवार के ऊपर खड़े हो गए और इधर बेर के झाड़, बेर के पेड़ है और उधर पूरे घर ही घर है। तो अपन ये ग्राउंड पे चलते हैं और यहाँ का कुछ आपको बताते हैं। चलते या। तो ये जो ग्राउंड है इतना बड़ा है कि वो उधर से वहाँ तक के वो पोल दिख रहा है, वहाँ से ऐसा घूम के यहाँ मिलिट्री के मतलब मिलिट्री के लड़के ऐसे दौड़ लगा के यहाँ से ऐसे इधर से मतलब यहाँ के उनको 4-5 चक्कर मारना पड़ता, नहीं तो ज़्यादा ही मारना पड़ता, बहुत हालत टाइट हो जाती। और यहाँ पे शाम को खेलते बच्चे फुटबॉल, यहाँ पर फुटबॉल खेलते। और बाकी उधर में भी दिखाते हैं आपको। चलो तो ये है फुटबॉल का गोल का वो नहीं रहता क्या, हाँ वो है ये, जो मेरे को भी याद में नहीं आ रहा। तो यहाँ उसकी जाली लगी नहीं अभी, और उधर एक है। तो अभी सामने जा रहे हैं हम उधर में, तो उधर चलते हैं। तो ये सेकंड ग्राउंड है, ये वाला जो मैं बता रहा ना था,
ये सेकेंड ग्राउंड था और वो उधर का फर्स्ट ग्राउंड था, और वो यहाँ पर है ये थर्ड ग्राउंड और वो फोर्थ ग्राउंड। तो यहाँ पे अगर अपन हेलीकॉप्टर भी उतारना चाहे तो उतार सकते, लेकिन कोई उतारता नहीं क्योंकि परमिशन नहीं रहती है। तो यहाँ मिलिट्री के लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो ये SRPF है ये, तो SRPF में आया हूँ मैं भी, जो कि ये है एक, यहाँ से सीधा ऊपर से बैलेंस करके जाना पड़ता। तो दिखा दो आपको, ये इसे बैलेंस करके जाना पड़ता, देखो ऐसे बैलेंस करके फिर यहाँ से सीधा कूदना पड़ता। तो ये ऐसा है और फिर दौड़ दौड़ के यहाँ पे ये पुशअप मारना पड़ता, जो कि ऊपर से नीचे हो करते वो मारना पड़ता। फिर ये भी वैसा ही है, यहाँ से वो बैलेंस करना पड़ता और यहाँ से दौड़ दौड़ के जाना पड़ता, जो कि ये तोड़ दिया है इनने, टूट गया है ये। और ये देख सकते हो आप, यहाँ से ऐसे चढ़ना पड़ता, ऐसे 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 चढ़ना पड़ता। तो यहाँ से चढ़ना पड़ता ऐसे, यहाँ पहले बहुत बड़ी मतलब रेती रहती थी, तो हम यहाँ से पहले कूदते थे, तब मैं ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट नहीं किया था। तो भी चलते हैं उधर, दिखाते हैं आपको उधर का सीन। बाकी फट रही है मेरी, उधर पुलिस वाले अंकल भी है, तो कुछ बोलेंगे तो पता नहीं कुछ बोलेंगे क्या क्या। तो कुछ ही ऐसा है, आगे का भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से कूदना था और उधर भी है, लेकिन उधर जा नहीं सकते अभी क्योंकि उधर पुलिस वाले अंकल है, वो सेकंड फोर्थ ग्राउंड पे है वो, तो वो उनने अगर देख लिए तो फिर मेरे को पकड़ लेंगे वो। तो यहाँ से ऐसा इधर से कूदना पड़ता है इधर, और ये जो पोल ये गड्ढे में से यहाँ से घुसना पड़ता है, यहाँ से घुसना पड़ता है झपझप झपझप, और यहाँ रहती है वहाँ, देखो उधर से घुसना पड़ता, तो यहाँ से ऐसा निकलना पड़ता इधर से। और यहाँ पे मिलिट्री के लोग बैठे रहते, जो कि अपना कुछ सामान उमान रखते। और यहाँ ये तो ये थर्ड ग्राउंड है, यहाँ पे भी रनिंग मारते, और पेड़ है यहाँ लीम लीम के पेड़ लगाए क्योंकि उनको छाव मिले। और फिर ये है, यहाँ से दौड़ दौड़ के आना पड़ता, और फिर सीधा इधर से ऐसे हाथ रख के सीधा कूदना पड़ता। मैं अभी कूद नहीं सकता, जो कि यहाँ पर अभी मेरे हाथ में फ़ोन है, तो वैसे इसकी जैसे ये भी है, लेकिन ये थोड़ा हाइट में है, ये हाइट में है। और आगे अभी दिखा, तो चलो आपको तो ये जो है यहाँ से सीधा वहाँ पे कूदना पड़ता। यहाँ पूरा पानी भरा रहता, पानी भरा रहता, और इधर में भी पानी भरा रहता। तो सामने काम चल रहा है SRPF का, तो इधर काम चल रहा है। तो अभी आगे का ब्लॉग बनाएंगे ना हम उन यहीं से। अभी वो पुलिस वाले अंकल बोल रहे हैं यहाँ से जाओ करके, तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आप मेरे को मौका मिला तो उधर वाले ग्राउंड का बनाऊंगा, क्योंकि वो पुलिस वाले अंकल मेरे को डांट रहे हैं अभी। और ये ग्राउंड तो आपने देख ही होंगे, तो वो फर्स्ट ग्राउंड, सेकंड ग्राउंड और ये थर्ड ग्राउंड। तो अभी चलते हैं उधर। और ये है, ये जो भैया लोग खेलते हैं उसकी ये टेनिस है, तो एक इधर रखते और एक उधर रखते और फिर गोल मारते रहते। तो चलते हैं घर की तरफ, घर पे जाके अभी सोते हैं, सोते नहीं तो कुछ करते हैं घर पे जाके, गेम वेम खेलते हैं, और उसके बाद शाम को ब्लॉग बनाते हैं। तो चलते हैं। अगर मैंने बनाया रहता पूरा ब्लॉग बनाया रहता, पूरे SRPF का ब्लॉग बनाया रहता, लेकिन वो अंकल चिल्ला रहे अभी, पुलिस वाले अंकल चिल्ला रहे, अगर उनसे मजूरी करूँगा तो मैं तो सीधा जेल में चल जाऊँगा, तो इसलिए अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मैं वैसे
मैं वैसे भी दीवार कूद के आया हूँ, अगर मैं उधर मेन गेट से आया, उधर उधर भी मेन गेट है, तो उधर मेन गेट से आया रहता तो मेरे को कुछ बोल ही नहीं देते। अब मैं चली जा रहा हूँ यहाँ से। तो अभी हम फर्स्ट ग्राउंड पे आ चुके हैं जहाँ से हमने यहाँ से गए थे हम। तो अभी जा रहे घर पे। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो फुल रश रहेगा किस से, संक्रांत के पहले दिन और संक्रांत को, इतने लड़के रहते हैं यहाँ पर, इतने पूरा मतलब ग्राउंड पूरा ग्राउंड भर नहीं रहते, बस आधे आधे रहते हैं। तो वो ब्लॉग भी बनाऊंगा मैं संक्रांत के ब्लॉग तो बनाना ही है मेरे को। यहाँ समझो इधर में भी रहते हैं और सामने में रहते हैं, और इधर चारों तरफ से अगर समझो इधर के हमारे तो इधर से पतंग आते हैं, इधर सीधी हमारे तो सीधे से इधर के आते हैं, इधर के तो इधर से आते, मतलब इधर उधर से पूरे ग्राउंड पे यहीं पे पतंग आते। नहीं तो फिर अपन उधर भी जा सकते हैं जैसे दूसरे केस में, लेकिन ये ग्राउंड अच्छा है जो कि यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता। तो यहीं पे मैं मतलब घर से पतंग उड़ाता हूँ, लेकिन पतंग पकड़ने यहीं पे आता हूँ। तो यहीं पे पतंग पकड़ते हैं अपन, तो बस पतंग पकड़ के फिर शाम को जाके उड़ाते हैं। सुबह तो मैं सुबह यहीं पे दिखूँगा, सुबह तो मैं यहीं पे आ जाता। तो चलते हैं अभी घर पे। तो गाइस देख सकते हो वहाँ पतंग उड़ रही है, तो चारों तरफ पतंग उड़ रही है। तो अभी हम जा रहे हैं पतंग पकड़ने, तो चलते हैं पतंग पकड़ने को, चलो। तो गाइस अभी हम चाय बना रहे हैं, तो चाय पीते हैं और फिर उसके बाद में खाना खाएंगे, जो कि 9 बजे खाएंगे। तो अभी 7:30 बजे है, तो अभी चाय 6:30 बजे है, तो अभी चाय बना रहे पापा के लिए, तो पीते हैं चलो। तो गाइस अभी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई जो कि ये करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड ऐसा कुछ है यहाँ इसमें, तो अभी समझ में नहीं आ रहा थोड़ा बहुत, तो करते हैं अभी इसमें सॉल्व करते हैं अभी इसको, समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन है। तो अभी 15वां करते हैं चलो। हेलो गाइस अभी मैं, तो गाइस खाना वाना हो चुका है, अब वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दिल धोक के कीजिए। आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो दिल से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जो कुछ भी पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, चलो बाय।